हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स? हम सब मानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव टॉक हमारी बॉडी और माइंड पर बहुत बुरा असर डालती है। फिर भी हम सब लोग अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बातों को अवॉइड नहीं करते। आज मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने खुद से किया है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके रिजल्ट देखकर मैं तो हैरान हो गया। आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करें। अगर आप लोग विश्वास नहीं करें तो आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको भी इसके रिजल्ट्स पे विश्वास हो जाएगा। यह एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित करता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस की हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा ताकत है। ये जो थॉट्स और इमोशंस हैं, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैं डॉक्टर मसोरो इमोटो की, जो कि जापान के एक ऑथर और रिसर्चर रह चुके हैं, थ्योरी पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च द्वारा ये बताया कि कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उसने पाया कि अलग अलग इमोशनल लेवल पर अलग अलग थॉट्स और अलग अलग तरह की कन्वर्सेशन के टाइम पे या इवेंट के टाइम पे पानी का जो मॉलिक्यूल लेवल पे स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो जाता है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को एक अपने रूप से करने की कोशिश की। मैंने दो छोटे छोटे जार लिए और उन दोनों में पीने वाला साफ पानी भर दिया। दोनों जार्स में मैंने कुछ दाने राइस के भी डाल दिए। उनमें से एक जार पर मैंने लिखा बैड और उस जार के पानी को और राइस को मन से इमोशनली बुरा भला कहा। मैंने कहा कि यह पानी बहुत गंदा है, इसके राइस भी गंदे हैं। मैंने कहा कि आई हेट यू वाटर, आई हेट यू, और राइस को भी मैंने कहा राइस आई हेट यू, और बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोलते हुए मैंने उस जार का ढक्कन बंद कर दिया। फिर दूसरे जार को, जिसमें पानी और राइस था, मैंने बड़े अच्छे मूड में, बड़े अच्छे इमोशंस के साथ अच्छी अच्छी बातें बोली। मैंने उस पानी को कहा, पानी आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर जो चावल डाले गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आई लव यू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत प्यारे हो, और सब अच्छी बातें बोलते हुए मैंने उस जार को बंद कर दिया। दोनों जार्स को मैंने एक जैसे इन्वायरमेंट में रखा और लगभग 3 वीक तक मैंने इस पानी को, इन जार्स को नहीं देखा। 3 वीक यानी 21 दिन के बाद जब मैंने दोनों जार्स को देखा तो मैं हैरान रह गया। एक जार जिसको मैंने बुरा भला कहा था उसका पानी दूसरे जार जिसको मैंने अच्छा कहा था से काफ़ी गंदा लग रहा था, और गंदे वाले जार में पानी के ऊपर कुछ राइस के दाने भी तैर रहे थे। जब मैंने अच्छे वाले जार जिसको मैंने अच्छा कहा था उसके पानी को देखा तो वो पानी काफ़ी साफ था, उसमें जो चावल के दाने थे वो सब नीचे बैठे हुए थे। तो फ्रेंड्स, यह प्रयोग इस बात को साबित कर रहा है कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस एक पावरफुल एनर्जी है, जिसने 21 दिन में जिस जार को हमने बुरा भला कहा था उसके पानी को गंदा कर दिया। पानी ने उस एनर्जी को यूज़ किया
और उस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से पानी गंदा हो गया। मैंने उस जार का ढक्कन भी खोला और उस जार के पानी में से गंदी स्मेल भी आ रही थी। तो हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें 72% जो है वो लिक्विड है, यानी कि पानी है। और इस धरती का जो 72% भाग है वो भी पानी है, समुंदर से घिरा हुआ है। तो एक बार हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि आज कल जो इतनी बीमारियां और इतनी अराजकता फैली हुई है, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, इतना नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं इस सब के जो वजह है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स तो नहीं? और अगर हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक एक्सपेरिमेंट की तरह लें और आज से हर इंडिविजुअल ये सोचे कि हम अपने थॉट्स लेवल पे काम करना शुरू करें और अपने थॉट्स जहाँ भी नेगेटिव आते हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हमने यह कोशिश की और इसमें सफलता प्राप्त की, तो यह संसार में एक मेजर रिफॉर्म लाने का काम कर सकता है। थैंक यू। दोस्तों, 26 जून 2016 रविवार का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं जालंधर सिटी में अर्बन स्टेट में अपना पहला सेमिनार करूंगा, जिस सेमिनार का टाइटल है कि अपनी सपनों की जॉब कैसे हासिल करें। तो ये सेमिनार उन लोगों के लिए है, उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए है जो अपनी पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं या जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। तो इस सेमिनार में मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरह से काम करें, किस तरह से प्लानिंग करें और किस तरह से उस प्लानिंग पे एक्शन लें ताकि आप सब लोगों को अपनी ड्रीम जॉब हासिल हो सके। तो अगर आप में से कोई मेरा भाई और बहन इस सेमिनार में शामिल होना चाहता है तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी IPLFCON@gmail.com पे ईमेल लिखे, जिसमें वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और प्रेजेंट जॉब स्टेटस लिख के भेजे। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो मेरे इंडिया के नंबर 84278-29974 84278-29974 पर आप मुझे SMS कर सकते हैं, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आप लोगों की ईमेल, हर एक ईमेल का जवाब दूंगा, आप लोगों के हर एक व्हाट्सएप का भी जवाब दूंगा, आप लोगों के हर SMS का भी जवाब दूंगा। स्पेशली जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, जालंधर सिटी से बिलोंग करते हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये सेमिनार अटेंड जरूर करें, क्योंकि इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि there will be certain changes in you। कुछ ना कुछ आप इस सेमिनार से लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेमिनार में आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं है इसमें, ये फ्री है। तो ये फायदे का सौदा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि मेरे पास सीट्स बहुत कम हैं इस सेमिनार के लिए। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि अभी मैं बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, मेरी वेकेशंस के टाइम पे मैं ये सेमिनार्स करूंगा। पहला सेमिनार 26 जून को करूंगा, उसके बाद ज़रूरत होगी तो और भी सेमिनार्स करूंगा और करता ही चला जाऊंगा।